स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, मार्शल्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हम जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा पहला ए सिलेबस में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें मार्शल और वॉल रेशियम आते हैं जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड मार्शल ने यूज किया उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, और जो वॉलरेशियन ने यूज़ किया उसे हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। अब इतना बेसिक जानने के उपरांत हम स्टार्ट करते हैं अपना मुख्य टॉपिक जो कि है मार्शल पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। तो क्या है ये? तो बेसिकली जो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच है वो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कमोडिटी के लिए इसको उपयोग में लाया गया है। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि मेन है, बाकी जितने भी वस्तुएं बाजार में हैं उनको आप कांस्टेंट मानिए, जो भी प्राइस में फेर बदल कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कार है, इसको चलने के लिए आपको चाहिए पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तभी ये पूर्ण होती हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? गाड़ी के भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन आप लीजिए, एक तरफ आपके पास कोका कोला है, दूसरी तरफ आपके पास थम्स अप है। अगर इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी प्राइस लो ही रहेगी, जिस कारण से इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मांग पे इफ़ेक्ट आ रहा है, यहाँ पे प्राइस पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जनरली यहाँ पे मैंने आपको बताने के बाद की कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बेसिकली कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। अगर इसमें कोई फेर बदल होता है तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को डिस्कार्ड कर देगा। तो मार्शल साहब ने ऐसा क्यों कहा कि आखिर हमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस अप्लाई करना चाहिए प्राइस डिटरमिनेशन करने के लिए? तो उसके बारे में ये जो नीले बॉक्स में है उसमें दिया हुआ है। ये कहते हैं फोर्स जो लगता है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए वो कई सारे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। सप्लीमेंट्री गुड हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है, टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, डिमांड हो सकता है। वॉर हो रहा है तो उसके डिमांड प्राइस सब बदल जाएगा, COVID-19 आ जाएगा तो मार्केट बंद होने लगेंगे तो सब लोग भागेंगे इधर उधर कि किसी तरह से अपना जो घर का राशन है उसको कंप्लीट कर लें। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि प्राइस में उतार चढ़ाव आते रहें। तो इससे बचने के लिए और एक जनरल सोल्यूशन पे निकलने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि इन सारी वस्तुओं को त्याग देते हैं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं, इनको हटा ही देते हैं प्राइस डिटरमाइन करने से, और एक आइसोलेट तरीका यूज करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने का, सप्लाई और डिमांड को निकालने का और उससे प्राइस को डिटरमाइन करने का, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये यही बात कर रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो मार्शियल जी क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका अप्रोच, उसको भी देख लेते हैं। सो मार्शियलियन अप्रोच जो है प्राइस डिटरमिनेशन का, ये बेसिकली आपको परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा। इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करके
अपनी ये थ्योरी दी है कि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमाइन की जा सकती है पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच अपना के। यहाँ पे एक डिमांड फंक्शन होगा कमोडिटी का, उसको हम खींच लेंगे। और एक सप्लाई फंक्शन होगा, उसको खींच लेंगे। इससे हमको एक जनरल प्राइस उस कमोडिटी की मिल जाएगी। पर यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि अदर चीज़ जो है, सप्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब क्या रखने हैं? ये सब कांस्टेंट रखने हैं। बिना कांस्टेंट रखी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात इन्होंने की है सप्लाई कर्व के बारे में उस कमोडिटी के, इसको कैसे हम बनाएं। तो ये कह रहे हैं कि ये आप एज्यूम कर लीजिए कि जो जो दूसरे प्राइसेस की कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, रिसोर्सेज के प्राइसेस हैं, जो फैक्टर उन्हें बना रहे हैं उनके प्राइसेस हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन रिमेंस द सेम, ये सब रिमेन द सेम हो रहे हैं। मतलब आप प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है कि इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट। तो बेसिकली कह रहे हैं ये सब जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये इनकी जो पार्शियल अप्रोच है प्राइस को डिटरमाइन करने का, उसका कोई जुगाड़ हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं ये जनाब, ये ढूंढ रहे हैं भैया एक्सप्लेन करने के लिए कि प्राइस डिटरमाइन कैसे करें एक सिंगल कमोडिटी की, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस से कैसे डिटरमाइन करें डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को काट के। तो क्या करेंगे, डिमांड कर्व पहले निकाल लिया इन्होंने यहाँ से, ये सारे एजम्पशन मान के, फिर सप्लाई कर्व निकाल लिया इन्होंने। अब ये क्या करेंगे, उस सिंगल कमोडिटी की जो डिमांड है और सप्लाई है, उन दोनों कर्व को खींचेंगे इस तरह, और जहाँ वो मिल जाएंगे, जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे, वही इसका प्राइस हो जाएगा, और उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी उस प्राइस में बिकेगी वो भी तय हो जाएगा। तो ये था पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। ये इतना ही है, ये इतना ही कहना चाहते हैं। लास्ट लाइन कहती है कि जो प्राइस है अदर कमोडिटीज़ का, अदर गुड्स का, रिसोर्सेज का, प्राइसेस का, इनकम का, मतलब बंदे की इनकम भी ना बढ़े, इनकम भी उतनी रहे। अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी आप पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार रहेंगे। कह रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहेगा, रिसोर्स के प्राइसेस भी कांस्टेंट रहेंगे। मान लीजिए रिसोर्स क्या कह रहे हैं, रिसोर्स ऐसे ले लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये किस पे चलती है, कॉटन पे। कॉटन के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इसका दाम बढ़ा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, ये तो डाटा पूरा तैयार करते हैं कि डिमांड कितना है, सप्लाई क्या है उस पूरे सिस्टम का, एक कमोडिटी का। उसके बाद ये डिटरमाइन करते हैं कि भैया प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कितना प्राइस निकाला, कितना आउटपुट निकला, उस पे इसका प्राइस ये डिफाइन करते हैं। मतलब इधर देखिए, ये इनका डाटा था, डाटा क्या, ये सप्लाई कर रहे थे, गड़बड़ हो रहा है। फिर से देखिए लास्ट लाइन यही कहना चाहती है कि इन्होंने डाटा तैयार किया सप्लाई कर्व का, डिमांड कर्व का, इनसे पता चल गया कि ये इस प्राइस पे ये इतना आउटपुट निकाल रहे हैं, यही लास्ट लाइन कहना चाह रही है। ये मानते हुए, क्या मानते हुए, कि रिसोर्सेस कांस्टेंट हैं, इनकम कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मार्शियल अप्रोच ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा डायरेक्टली फिगर उगर बना के, वो यहाँ पे काम होगा। अब पहली चीज़ आप जान ही रहे हैं कि ये इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है प्राइस डिटरमिनेशन का, वो ये मान के दिया है कि सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, एक्सटर्नल एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग, उन सब चीज़ों को इन्होंने कांस्टेंट मान लिया। वॉर नहीं होगा, कोविड 19 नहीं आएगा,
ठीक है, नोटबंदी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तभी इनका ये जो सिद्धांत है प्राइस डिटर्मिनेशन का, ये सक्सेसफुल हो पाएगा, इन्होंने ये माना। फिर जनाब कहते हैं कि मैंने पूछा कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इन्होंने खुद आंसर दे दिया कि क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है उस कमोडिटी की और सप्लाई कितनी हो पा रही है, इसके बेसिस पे हम उसका प्राइस डिटरमाइन करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने कर्व में क्या किया, अपने फिगर में सप्लाई और डिमांड कर्व का यूज किया, जिससे उनका प्राइस डिटरमाइंड हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये परफेक्ट कंपटीशन माना है। वैसे आपको जानना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, ये एक मिथ मार्केट है। तो देखिए क्या कहा इन्होंने इन दो फिगर में, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन आपका प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, प्राइस को बता रहा है कि क्या क्या प्राइस है, और हॉरिजेंटल लाइन क्वांटिटी को बता रहा है। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इन सब में कोई ना चेंज मानते हुए ये सप्लाई दे दी गई है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सब में ना चेंज कोई हुआ और ना होना चाहिए इनके हिसाब से, जिसके डाटा पे इन्होंने डिमांड कर्व खींचा। इनकम, एक्सटर्नल इनकम, दो नंबर वाला इनकम, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। फैक्टर का जो कॉस्ट है, इसमें ना कोई गिरावट हुई ना कोई बढ़ोतरी हुई, उसको बेसिस रख के इन्होंने सप्लाई कर्व खींचा। अब जहाँ ये मिले वहाँ पे इनका क्वांटिटी डिफाइन हो गया और प्राइस डिटरमाइंड हो गया, मतलब इतनी क्वांटिटी पे, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचेगी, ये इनका यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आगे की लाइन इन्होंने खींच दी है Q1। Q1 पे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, आप क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, पर हालांकि क्या है, डिमांड जो है उसके लिए है नहीं। तो ये बेसिकली क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं मार्शल अनस्टेबल, और यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, स्टेबल मार्शल। अब यही मेन टॉपिक है आपका, ये सारे तो नॉर्मल चीज़ थे जो आप बेसिकली खुद समझ सकते हैं, पर जो मेन टॉपिक है जो पूछा जाता है, अब वहाँ पे हम आ गए हैं। तो नोट कर लीजिए, मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यही है, और लास्ट स्लाइड है ये मार्शल की प्राइस डिटर्मिनेशन के अप्रोच की। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मार्शल स्टेबल कहाँ रहता है और मार्शल अनस्टेबल कहाँ रहता है, तो यहाँ पे हम उसको समझेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, कि स्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, और कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। चलिए देखते हैं। सो क्या कह रहे हैं ये जनाब, ये कह रहे हैं कि वी हम मार्शल स्टेबिलिटी पे पहुंच सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्थिति के बाद, जब उसकी हम क्वांटिटी को डिस्टर्ब कर दें। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये? देखिए मैं इसे फिगर से ही समझाऊं तो ज़्यादा बेटर है। जैसे फिगर ये देखिए, ये सप्लाई कब दिया गया है, ये डिमांड कब दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि एक जगह स्थिति क्या थी, वो इक्विलिब्रियम पे थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था। अब कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि डिमांड में या तो कुछ चेंज हो जाएगा या तो सप्लाई में चेंज हो जाएगा। सप्लाई हम लिमिटेड तो है नहीं कि लगातार उतना ही सप्लाई होते चला जा रहा है। इकोनॉमिक्स बेस क्या है इकोनॉमिक्स का, कि स्कार्सिटी है भाई रिसोर्सेज की, उसी पे पूरी इकोनॉमिक्स बनी हुई है। तो वही माना जाता है यहाँ पे भी कि सप्लाई में चेंज हो जाता है। सप्लाई में जैसे चेंज हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम का जो स्थिति थी, जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ये स्थिति पैदा होती है, तो
क्या होता है इसको हम देखते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये बताना ज़रूरी भी है। मान लीजिए ये था इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, सप्लाई या तो बढ़ी या तो घटी। अगर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है यानी ये वाली स्थिति, यहाँ डिमांड से इतना ज़्यादा एक्सेस में है, एक्सेस सप्लाई है। अगर सप्लाई एक्सेस हो जाएगी डिमांड से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कंज्यूमर होगा वो कम पैसे देगा ज़्यादा कमोडिटी के क्वांटिटी का। यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड करेगा कि मैं कम पैसे दूंगा तुम्हारे ज़्यादा कमोडिटी क्वांटिटी के लिए सप्लायर से, और सप्लायर क्या कहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, मुझे ज़्यादा पैसा भी दीजिए उसी कमोडिटी के लिए क्योंकि मैंने कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ा दी है। पर कंज्यूमर मानने वाला नहीं है क्योंकि उसका डिमांड है नहीं। अब जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उसको भाई कोई क्यों खरीदेगा, खरीदेगा कम पैसे का खरीदेगा, होता है ऐसा। तो यही स्थिति मार्केट में भी होती है। अब जैसे ही स्थिति होती है तो जो सप्लायर हैं साहब, सप्लायर जी क्या करते हैं कि अपनी सप्लाई कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा सप्लाई अपनी कम स्टार्ट करने देते हैं और तब तक ले जाते हैं जब तक कि वो डिमांड से मिल ना जाए। यानी कि सप्लायर की जो डिमांड है प्राइस की, कंज्यूमर की जो डिमांड है प्राइस की, वो एक जगह मिल ना जाए एक पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी के लिए। फिर से बोलता हूँ मैं, सप्लायर जो ऑफर कर रहा है प्राइस और कंज्यूमर जो एक्सेप्ट कर रहा है प्राइस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उस कमोडिटी के लिए, जब तक वो अचीव नहीं हो जाएगी तब तक प्रोड्यूसर क्या करेगा कि सप्लाई को कम या ज़्यादा करेगा। अगर सप्लाई अभी तक वो ज़्यादा कर रहा था तो उसको कम लेके आएगा और इक्विलिब्रियम अचीव करने का प्रयास करेगा। तो ये स्थिति बनती है। अब यहाँ पे आपके पास तीन फिगर हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मार्शल स्टेबल कहाँ है, कहाँ अनस्टेबल है। एग्जामिनर आपका फिगर देख लेगा, आपका ये देख लेगा कि स्टेबल कहाँ है, अनस्टेबल कहाँ है, आप मार्क कर दीजिएगा, वो जान जाएगा, बंदा पढ़ा है समझा है, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या है, अनस्टेबल है मार्शल। यहाँ और यहाँ इन सिचुएशन में भी मार्शल अनस्टेबल है, यहाँ पे अनस्टेबल है और यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल, दोनों की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे स्टेबल है। अब कैसे आप जानेंगे, तो पहले दो फिगर में आते हैं, पहले लास्ट वाले फिगर को हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे दो सिचुएशन आ रही थी। चलिए पहले वाले में देख लेते हैं, पहले और दूसरे में। एक ये लाइन गई है, एक ये लाइन गई है, एक सप्लाई को बता रही है और एक डिमांड को बता रही है। अब यहाँ पे एक्सेस है सप्लाई का, ये ध्यान दे लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी सप्लाई एक्सेस में है और स्टेबिलिटी अचीव करने का प्रयास कर रही है और डिमांड लाइन पे पहुंच गई है, वहाँ का जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सेस में था, इसने प्रयास किया कि मैं उस डिमांड तक जाऊँ, इक्विलिब्रियम पे जाऊँ, वो इक्विलिब्रियम पे पहुँचा, पर ये इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल है। सिमिलरली यहाँ और यहाँ, सप्लाई यहाँ पे भी एक्सेस में है इतना और यहाँ पे भी एक्सेस में है। प्रोड्यूसर ने प्रयास किया कि मैं अपने उचित क्वांटिटी का उचित प्राइस पा सकूं, इसके लिए उसने सप्लाई कम की, वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, पर ये इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, प्रोड्यूसर प्रयास कर रहा है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, ऐसी स्थिति पे पहुंच जाए जहाँ पे उसके क्वांटिटी का उचित दाम उसको मिल पाए, तो यहाँ पे भी सिचुएशन क्या है, अनस्टेबल की है। अब आते हैं हम
स्टेबल वाले सिचुएशन में। स्टेबल वाले सिचुएशन में बस इतना ध्यान रखिएगा, जब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ाता है इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे सप्लाई इतनी कम थी डिमांड से, उसने अपनी सप्लाई बढ़ाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचा, और ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अब आते हैं यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले हिस्से को देखिए, मैं फिर से रेज करता हूँ, इस वाले हिस्से को देखिए, इतने हाफ में क्या है कि सप्लाई जो है बढ़ रही है, इतने हाफ में क्या है सप्लाई घट रही है। यहाँ से जहाँ से घट रही है, ठीक है सर, जहाँ से ये घट रही है अगर उसको देखते हुए हम कहें तो E2 अनस्टेबल रहेगा, अगर सप्लाई के बढ़ते हुए नज़रिए को देखें तो E2 स्टेबल रहेगा। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए डिमांड वाली लाइन प्राइस है और जो सप्लाई कर्व है ये प्राइस 2 है, P2 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्लाइड में लिखा हुआ है कि फिगर 2 में क्या होगा कि E1 जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई को कम करके इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है, पर इक्विलिब्रियम अचीव तो हुआ पर वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी परिवर्तित हो सकता है। दूसरी चीज़ इसी के आगे कह रहा है कि E2 इक्विलिब्रियम पे रहेगा जब P डिमांड क्या है P2 से कम है। डिमांड जो है वो P2 से कम है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे भी वही सप्लाई वाली चीज़ है। सप्लाई यहाँ से आप देख रहे हो कि ये यहाँ से जा रही है, और अगर यहाँ से जाएगी तो ये स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी, और जब इसके ऊपर थोड़ा सा भी हो रही है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से आप E2 को देखेंगे, मतलब बंदा यहाँ से लेके यहाँ लेके आ रहा है, सप्लाई को घटा के यहाँ पे पहुँच रहा है, सप्लाई को घटा के अगर यहाँ पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिचुएशन आ जाएगी। पीछे हमने पढ़ा मार्सेलियन के बारे में, मार्शल ने प्राइस डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या दिया, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का उन्होंने अप्लाई किया, और पार्शियल इक्विलिब्रियम के तहत उन्होंने किस प्रकार से प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, इसका जिक्र होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बस दो चीज़ें मानिएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, प्राइस लगभग कांस्टेंट होती है, नॉर्मल होती है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये मिथ है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, होमोजीनियस गुड, आप दो किराने से क्या करिए, खरीद के ले आइए, क्या खरीद के ले आइए, कोई भी अनाज ले, उसकी क्वालिटी में क्वांटिटी में ज़रूर अंतर होगा। और बाज़ार की किसी भी दुकान पे चले जाइए, कोई एक दुकान होगी जहाँ पे काफ़ी सारे बायर आते हैं, और कोई एक दुकान होगी जहाँ पे बहुत कम बायर आते हैं, कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे कोई एक एक ऐसे भी दुकानदार होते हैं जहाँ पे एक कमोडिटी का, जैसे कोई एक ही व्यक्ति होगा जो सोफ़ा बेचेगा, ऐसे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ये भी इस बात का खंडन कर देता है, प्राइस कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है, और अधिकांश जो होते हैं हम नए जब जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि हमको ठग लें, ठीक है, ख़ास तौर पे जिनकी दुकान चलती नहीं है, इसीलिए इसे मिथ कहते हैं, मार्केट कहते हैं, एक काफ़ी सारे मार्केट में से एक मार्केट है जिसका एग्जिबिशन मार्शल के थ्योरी में किया गया था। अगली चीज़ है जो हमने बार बार पढ़ी उसमें कि पार्शियल इक्विलिब्रियम का हमने मतलब जो वहाँ पढ़ा था वो बता रहा था कि
रेस्ट थिंग्स आर सेम, बाकी सारी चीज़ें उसको छोड़ के, डिमांड और सप्लाई को छोड़ के, उस वस्तु की डिमांड और सप्लाई को छोड़ के सब कांस्टेंट थे, बाज़ार में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, ना कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री ना कोई और गुड, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। इसी चीज़ को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है सैटरिस पैरिबस। नॉर्मली ऐसे लिख दिया जाता है कि सैटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि रेस्ट थिंग्स आर सेम में क्या, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन इनकम ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक माइक्रो इकोनॉमी का जो कि प्राइस डिटरमिनेशन से रिलेटेड है, इसमें मार्शल की थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।